नमस्ते सर, अभी आपका मशीन पूरा रेडी हो चुका है। ये आपका नाम दीपक सर, भोपाल। ओके, अभी मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ मशीन कैसे चलाना है। ये देखिए सर, काम स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, दोनों पेपर को एक बार तेल लगा लेना। एक बार तेल लगा आपने तो 2 से 3 पापड़ तक आपको तेल लगाने की आवश्यकता नहीं। और आपने जैसे बोला था कि आपको सिंधी पापड़ बनाना है, तो मैंने उसकी सबसे इसमें जो ब्लैक पेपर है काली मिर्च वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, तो मैं उसकी सबसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। और आपका पापड़ का 7 इंच है ना, तो उसकी सबसे मैं फटा के लिखा। और लोहिया भी मैंने 7 इंच की सबसे लिया, अंदाजे लिया है। तो अभी लोहिया इसके अंदर रखना आपको सेंटर में, तो इस तरह से प्रेस कर लेना। फिर तेल का सेक्शन जो है भी इसको अच्छे से मैच कर लेना आपको और प्रेस कर लेना। ओके, अभी मैंने क्या किया है, अभी सारे पंजे अच्छे से सेट कर लिया मैंने, मतलब आपको ऐसे सेट कर लेना पहले, उसके बाद चालू करना है। अभी मशीन के सबसे 40 पन्ने मिलेगा आपको। मशीन ऐसा ऑन करना है, उसको चालू में इस तरह से रखना है, ये तो ये था ना। फिर देखिए चालू में आपको इस तरह से रखना और इस तरह से निकालना है। मशीन का मेन प्रोडक्शन इसी पे डिपेंड है, चालू में इस तरह से रखना और इस तरह से निकालना। ओके, और यहाँ पे रिंकल दिया है 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच और 10 इंच। ओके, ब्लैक पेपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाला अपन। ओके, ये चालू में करना है। ये हो गया 6 इंच, ये हो गया आपका 7 इंच। वो गलती से ज्यादा दब गया था। अभी पापड़ बन गया है, अभी कितना पतला बना वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी पापड़ दिखा देता हूँ कितना पतला है। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, लेकिन ऐसा नहीं, पूरा एक जैसा पतला है। अभी लोहिया अंदर से लिए इसलिए थोड़ा मोटा लग रहा होगा आपको, बट ये आपके हिसाब से जो सिंधी पापड़ है ब्लैक पेपर ज़्यादा क्वांटिटी वाला, तो ये देखिए ब्लैक पेपर बहुत भर भर के डाला है इसमें। ओके, अभी सबसे बड़ा बनाया था क्योंकि पतला कितना है वो दिखाने के लिए। ओके, बाकी बराबर 7 इंच बनाया अपन ने। पापड़ होने के बाद इसको ऐसा हाथ फेर लेना है, हाथ फेरने से किसी भी एक साइड में चिपक जाएगा। ओके, उसके बाद इसको ऐसे पंखे के नीचे रख देना है, 1 से 2 मिनट में सूख के ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद साड़ी के ऊपर स्ट्रेट 5 मिनट सुखाना है, उल्टा करके 5 मिनट, और धूप रहेगा तो धूप में 5 मिनट, ऐसा पूरा प्रोसीजर है। ओके, ये देखिए नजदीक से दिखा देता हूँ।
ओके, आप डेमो देख के मुझे बता दीजिए कैसा है, उसके बाद मैं कल पैकिंग कर देता हूँ सर। नमस्ते दीपक सर, अभी आपका मशीन का पैकिंग चालू हो गया है। आपका नाम? दीपक सर, भोपाल। ओके, अभी मशीन के साथ आपको क्या क्या मिलेगा वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 40 पन्नी मिलेगा, उसके बाद ये तेल का स्प्रे, ये कितने ml पानी लेना उसका जार, मशीन क्लीन करने के लिए स्क्रबर, और ये एलन की स्पैनर, ये ट्रांसपोर्ट में अगर इसका नट बुट लूज हो गया तो ये टाइट करने के लिए। उसके बाद आपको है 5 किलो उड़ी डाटा फ्री। ओके, अभी ये पूरा पैक करके मैं आपको उसका वीडियो भेजता हूँ। ये देखिए दीपक सर, अभी इसको अपन ने अच्छे से फोम वगैरह लगा लिया है जिससे डैमेज ना हो। यहाँ पे भी जो ऑन ऑफ स्विच है वहाँ पे भी फोम लगा लिया है और इसको अच्छे से रैपिंग कर दिया है जिससे डैमेज ना हो। ओके, ये देखिए दीपक सर, अभी इसको अच्छे से कार्बोरेटेड बॉक्स अच्छे से लगा लिया है। ओके, ये देखिए, ओके। नमस्ते दीपक सर, अभी आपका मशीन अच्छे से पैक हो चुका है। ये आपका भोपाल बैरागढ़, ओके, दीपक पाटिल सर, यहाँ पे लिखा है, सीधा रखिए, पटके नहीं, हैंडल विथ केयर, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पकड़े, पीछे के साइड में भी लिखा है, सीधा रखिए, पटके नहीं, हैंडल विथ केयर, यहाँ पे भी। ओके, आप बाकी पेमेंट करवा दीजिए तो मैं कल ट्रांसपोर्ट में डाल देता हूँ।